एंटर सब मिलेगा जूम टीवी जो फिल्म। वेल, लगता है बिपाशा ने कर लिया है शादी का इरादा और इसीलिए उन्होंने पहन लिया है शादी का जोड़ा। बस अब इंतजार है जॉन की हाँ का। बिपाशा और जॉन की कई सालों से चल रही रिलेशनशिप में कैसे आ गया है ये इंटरेस्टिंग मोड़, हम कर रहे हैं इसका पोस्टमार्टम। बिपाशा ने पहन लिया है शादी का जोड़ा। दुल्हन के लिबास में बिपाशा उतनी ही कयामत ढा रही हैं जितना कहर ढाया है उनके सिजलिंग हॉट स्टीमिंग अवतार्स ने। पर अब जब बिपाशा ने इस फोटो शूट के लिए पहन लिया है शादी का ये जोड़ा तो यकीनन बिपाशा के दिल में भी शादी करने के अरमान मचल गए होंगे। तो क्या तैयार है बिल्लो रानी अपनी शादी के लिए? जी हाँ, बिपाशा को इंतजार है अब शहनाई का, दुल्हन बनने का। देखे तो दुल्हन के लिबास में बिपाशा का ये फोटो शूट जिसमें बिल्लो रानी एक परफेक्ट ब्राइड लग रही है। पर सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि जॉन बिपाशा के दिल की इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। शायद इसीलिए बिपाशा अपनी शादी के बारे में पूछे जाने पर इशारा जॉन की तरफ कर देती हैं। Well, you have to ask this to the other side, the male side of me. You know, my life, that's John. लगता है बिप से अपनी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के बावजूद बॉयफ्रेंड जॉन इब्राहिम का अब भी शादी का कोई इरादा ही नहीं। जॉन और बिपाशा की टुगेदरनेस को कितने साल हो गए हैं, ये तो जॉन और बिपाशा कह कह कर थक गए। नहीं, पर अब इंतजार है कि कब शहनाई बजेगी और दुल्हन बनी बिपाशा को जॉन ब्याह कर फिर से अपने घर ले जाएंगे। लेकिन इस सवाल के आते ही बिपाशा गेंद जॉन की साइड में दे देती हैं। Well, the engagement ring, I'm hoping comes from the other side. So I guess it's the boy who needs to worry. You have to ask this to the other side, the male side of me. You know, my life, that's John. जॉन से पूछिए, मेरी लाइफ के मेल साइड से पूछिए। हाँ, वैसे जॉन भी इतने बुरे नहीं हैं। बिपाशा हीरे की अंगूठी या मंगलसूत्र ना सही, लेकिन बिपाशा को खूब सारे गहने देते रहते हैं, इसीलिए तो बिपाशा उन्हें अपना डायमंड सप्लायर बुलाती हैं। Well, all the diamonds that come to me are from John, so yeah, he's my diamond supplier. वैसे जॉन से जुड़ी एक और बात बिपाशा को काफी परेशान करती है, वो है दोस्ताना के बाद जॉन का बढ़ता मेल फैन फॉलोइंग। देखिए, लड़कियां ही करे तो अच्छा लगेगा। यही तो डर है। लड़कियां जब यू नो हमेशा लड़कियां ही करती थी, दोस्ताना के बाद लड़के करने लगे हैं। तो डर वही है। देखा आपने, बिपाशा को जॉन की दीवानी लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉब्लम है उनके मेल फैंस से। लेकिन लगता है बिपाशा की सबसे बड़ी मुश्किल तो इस लंबे इंतजार से ही है जो उन्हें अपनी शादी के लिए करना पड़ रहा है। अब जॉन जब हाँ बोलेंगे तो बोलेंगे, पर बिपाशा ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो शादी में मीडिया को जरूर बुलाएगी। When we do it, you'll know. You'll all be invited and we'll all be on time. Well, we hope बिपाशा को as a perfect bride इस फोटो शूट में देखकर जॉन का शादी का इरादा भी जल्द ही पक्का हो जाएगा। आरती दानी, Zoom, Mumbai.